हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे अरबी मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले हम हाथों में मस्टर्ड ऑयल लगाएंगे और अरबी के इस तरह से छिलके निकाल लेंगे। पोटैटो पिलर का यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं लगाएंगे तो अरबी आपके हाथों को काटेगी। इस तरह से इसको हम पीसीज में कट कर लेंगे। सारी अरबी हम इसी तरह रेडी करेंगे। अब हम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लेंगे और ये हमने अरबी को धो लिया है और ये देखिए बिल्कुल भी लेस नहीं है। और अब हम अपनी अरबी को मस्टर्ड ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। अभी आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन इसे शैलो फ्राई करना ज़रूरी है, हम बाद में मस्टर्ड ऑयल को निकाल लेंगे। बीच बीच में अरबी को चलाते हुए हम कुक करेंगे। कुछ टाइम बाद इस तरह से अरबी आपको लगेगा कि पक गई है, लेकिन इस टाइम अगर आप इसकी कुकिंग को बंद कर देंगे तो ये खाने के बाद आपके गले में इचिंग करेगी। इसे थोड़ा क्रिस्पी फ्राई करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसे फुल फ्लेम पर अभी थोड़ा और फ्राई करेंगे। हल्का गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। ये देखिए अरबी ने कलर चेंज कर लिया। अब हम इसका ऑयल निकाल देंगे। ऑयल निकालने के बाद हम इसमें एक प्याज, एक टमाटर को चॉप करके डालेंगे। आप यहाँ पर ग्रीन चिलीज को भी ऐड कर सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, जिससे कि ये भी हमारा साथ में ही कुक हो जाएगा। इसे हम 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हम ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। अभी हमारा प्याज और टमाटर कुक हो गया है तो हम इसमें 1/2 टीस्पून देगी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरबी थोड़ी खटास में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड किया है। आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए अरबी ने ऑयल को रिलीज कर दिया है, तो इसका मतलब हमारी सब्जी रेडी है। तो अब हम इसमें ग्रीन कोरिएंडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा अरबी मसाला रेडी है। आप इसे परांठा, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।